मायापुरी न्यूज़ील के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं इस हफ्ते की एंटरटेनमेंट न्यूज फटाफट। आमिर खान को देखने चीन में उमड़ी फैंस की भीड़। जब भी इंटरनेशनल फैंस की बात आती है तो आमिर खान का नाम सबसे पहले आता है। आमिर खान की लगभग सभी फिल्में वर्ल्ड वाइड अच्छा कलेक्शन करती हैं। अब आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 28 दिसंबर को चीन में रिलीज होने जा रही है। आमिर फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां 10 दिनों तक रोड शो करने वाले हैं। खासतौर पर चीन में आमिर की फिल्मों को खूब पसंद किया जाता है और चीन में उनकी फैन फॉलोइंग भी खूब है। कई बार आमिर खान को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हाल ही में अभिनेता को विश्वविद्यालय में अपनी अगली फिल्म का प्रचार रद्द करना पड़ा। दरअसल चीन में अपने हालिया प्रचार के दौरान आमिर खान को चीनी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेना था। आमिर को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें करीब 400 लोगों को समायोजित करने का प्लान था। लेकिन जैसे ही शहर में ये खबर फैली कि आमिर खान ग्वांगजो विश्वविद्यालय में आने वाले हैं, तो फैंस उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। 400 लोगों का छोटा सा ऑडिटोरियम जल्द ही 3000 से अधिक लोगों से भर गया। फिर क्या था, अधिकारियों को आमिर खान का ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इस समारोह के बाद अभिनेता के प्रचार के लिए चीनी अधिकारियों ने इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए आमिर खान की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। प्रियंका निक को पेरेंट्स बनाने पे तुली एक्ट्रेस। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर अकाउंट पर निक संग एक तस्वीर शेयर की है, जिसे उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने जब ये फोटो देखी, पहले तो उसे लाइक किया और फिर दोनों से एक इच्छा जाहिर की। दरअसल बात कर रहे हैं फिल्म रॉक स्टार की लीड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी की। नरगिस को प्रियंका और निक के बच्चे की सबसे ज्यादा जल्दी हो रही है, क्योंकि उन्होंने प्रियंका निक के फोटो पर कमेंट किया है कि दोनों का बच्चा काफी सुंदर होगा। बता दें कि भारत में शादी और रिसेप्शन के बाद अब प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस के साथ न्यूयॉर्क लौट गई हैं। मुंबई रिसेप्शन के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कैटरीना कैफ वाली गलती नहीं दोहराएंगी आलिया भट्ट। बॉलीवुड के लव बर्ड्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली स्वीकार कर लिया है। आलिया और रणबीर को अक्सर साथ में आउटिंग के लिए एक साथ स्पॉट किया जाता है। ऐसी खबर आ रही है कि आलिया इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हैं और उन्होंने इसे लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए कुछ प्लान भी किया है। इसी के साथ आलिया का मानना है कि वो रणबीर कपूर की एक्स कैटरीना कैफ वाली गलती अपने रिलेशन में नहीं दोहराएंगी। आलिया ने प्लान बनाया है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम रणबीर के साथ स्पेंड करना चाहती हैं। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसा ही हाल कैटरीना कैफ का भी हुआ था जब वो रणबीर के साथ रिलेशन में थी। कैटरीना ने अपने करियर को रिश्ते की वजह से एक किनारे रख दिया था, लेकिन आलिया ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहेंगी, क्योंकि अपनी उस गलती का खामियाजा कैटरीना आज भी भुगत रही है। शाहरुख जल्द शुरू करेंगे डॉन 3 की शूटिंग। किंग खान की फिल्म जीरो को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और फिल्म को फ्लॉप करार दिया जा रहा है। रिलीज के 4 दिन बाद फिल्म ने 60 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसी बीच खबर आ रही है कि शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट करने का प्लान बना लिया है। डॉन फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर ने शाहरुख खान से फिल्म के 3rd पार्ट को जल्द शुरू करने की गुजारिश की है। डॉन 3 की स्क्रिप्ट लॉक की जा चुकी है और शाहरुख खान ने इसे अगले साल शुरू करने का फैसला कर लिया है। फरहान अख्तर पिछले 1 साल से डॉन 3 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। निर्माताओं का मानना है कि डॉन 3 की कहानी एकदम अलग है, जिसका पहली दोनों सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। डॉन 3 से पहले शाहरुख खान ने फरहान अख्तर को बताया है कि पहले वो अपनी फिल्म सारे जहां से अच्छा की शूटिंग खत्म करेंगे और फिर उसके बाद वो उनकी फिल्म का शूट शुरू करेंगे। गूगल ने एकता कपूर को बनाया कंटेंट क्वीन। एकता को दुनिया बेशक टेलीविजन क्वीन के नाम से जानती हो, लेकिन गूगल ने उन्हें नई उपाधि दी है। गूगल इंडिया ने इस साल की अपनी टॉप ट्रेंडिंग सूची जारी कर दी है। सूची में जब गूगल पर एकता के बारे में सर्च किया गया तो सर्च इंजन में एकता कपूर का नाम भारतीय कंटेंट की रानी के रूप में सामने आया। ऑल्ट बालाजी के साथ एक डिजिटल क्रांति का निर्माण करते हुए एकता ने अलग अलग वेब सीरीज से ऑनलाइन दर्शकों को आकर्षित किया है। एकता कपूर अविश्वसनीय कंटेंट और कहानियों के साथ रूढ़िवादी सोच को तोड़कर श्रोताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। व्हील चेयर पर अनुष्का को देख हिल गए विराट कोहली। जीरो को बॉक्स ऑफिस पर चाहे जैसा रिस्पांस मिल रहा है, मगर अनुष्का शर्मा को सबसे बड़ा इनाम मिल गया है। अनुष्का के हबीब डियर विराट कोहली अपनी बेटर हाफ अनुष्का की जीरो परफॉर्मेंस पर फिदा हो गए हैं। विराट ने अनुष्का की परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग करार दिया है। जीरो में अनुष्का शर्मा ने आफिया यूसुफजई भिंडर नाम की स्पेस साइंटिस्ट का किरदार निभाया है, जो सेरेब्रल पाल्सी की शिकार है और व्हील चेयर पर बैठी रहती है। अनुष्का का किरदार फिल्म में भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग से प्रेरित दिखाया गया है। सेरेब्रल पाल्सी की वजह से आफिया ठीक से बोल नहीं पाती।
बात करते समय उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, उनके लिए अपने पैरों पर खड़े रहना भी काफी मुश्किल होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि बौने बौआ सिंह और आफिया के बीच प्यार हो जाता है, मगर ऐन शादी के मौके पर बौआ सुपरस्टार बबीता कुमारी के लिए आफिया को छोड़कर भाग जाता है। दर्शकों के साथ विराट कोहली को भी अनुष्का का ये किरदार काफी पसंद आया है। विराट ने ट्वीट करके अनुष्का की तारीफ करते हुए लिखा, जीरो देखी और इसका लुत्फ भी उठाया, मुझे मजा आया, हर किसी ने बेहतरीन काम किया है। अनुष्का की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत मुश्किल रोल था और उन्होंने अद्भुत काम किया है। अनुष्का शर्मा ने खुद भी फिल्म की रिलीज से पहले एक लेटर लिखकर ऐसा रोल देने के लिए शाहरुख खान का शुक्रिया अदा किया था। बॉलीवुड की सूचना प्रसारण मंत्री करीना कपूर खान। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान ने पिछले दिनों शो कॉफी विद करण में करण जौहर के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि उनके परिवार में सीक्रेट बातों को छिपा कर रखने में सबसे ज्यादा पारंगत उनकी छोटी बहन सोहाली खान है, बीवी करीना या बेटी सारा नहीं। शो में जब करण ने सैफ अली खान से पूछा कि परिवार की बातें गुप्त रखने में सबसे आगे कौन है, इस पर कुछ देर सोचने के बाद सैफ अली खान ने कहा कि उनकी कई सीक्रेट बातों को उनकी छोटी बहन सोहाली खान सीक्रेट रखती हैं। इसके बाद उनके परिवार में करीना कपूर का नाम आता है। करण जौहर ने जैसे ही करीना कपूर का नाम सुना तो चुटकी लेते हुए कहा कि करीना कपूर और रणबीर कपूर को फिल्म इंडस्ट्री का सूचना प्रसारण मंत्री कहा जाता है। गौरतलब है कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉलीवुड की सारी खबरें इनके पास होती हैं। हालांकि सैफ अली खान ने पत्नी का बचाव करते हुए कहा कि करीना कपूर ऐसी नहीं है और उनके कई सारे राज रखती हैं। कपिल के रिसेप्शन में दीपवीर को मिला सीक्रेट गिफ्ट। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की शादी के बाद मुंबई में एक रिसेप्शन रखा गया। रिसेप्शन में कपिल को बधाई देने बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे। इनमें सबसे खास रही दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की एंट्री। दोनों स्टार्स ने कपिल और गिन्नी चतरथ संग पार्टी में जमकर मस्ती की। कपिल ने दीपवीर को स्पेशल गेस्चर से सरप्राइज भी कर दिया। दरअसल कपिल के रिसेप्शन में आए दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के लिए खास इंतजाम किया गया था। कपिल खुद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैन हैं और दोनों की हाल ही में शादी हुई है। ऐसे में स्टार्स की खुशियों का जश्न कपिल ने अपने रिसेप्शन में मनाया। कपिल ने अपने रिसेप्शन केक के साथ रणवीर और दीपिका के लिए भी स्पेशल केक मंगवाया था। दीपिका और रणवीर दोनों ही कपिल के इस वेलकम से काफी खुश नजर आए। रणवीर सिंह से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, कपिल शर्मा के इस वेलकम ने मेरे दिल को छू लिया। केक को रणवीर सिंह और दीपिका ने कपिल शर्मा की मां के साथ पार्टी में काटा। शाहरुख खान ने चुकाया रेमो डिसूजा का पुराना कर्ज। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपरस्टार शाहरुख खान और कोरियोग्राफर डायरेक्टर रेमो डिसूजा के बीच एक लंबा रिश्ता रहा है, जिन्होंने उनकी हालिया रिलीज फिल्म जीरो के सबसे चर्चित गाने मेरे नाम तू को कोरियोग्राफ किया है। दरअसल दो दशक पहले रेमो कभी शाहरुख खान के गानों में बैकग्राउंड डांसर हुआ करते थे, तो 20 साल बाद फिल्म जीरो में उन्होंने शाहरुख को अपने इशारों पर नचाया। ये खुलासा खुद शाहरुख ने रेमो के डांस शो डांस प्लस 4 में किया। वो यहाँ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा के साथ अपनी फिल्म जीरो को प्रमोट करने पहुंचे थे। मायापुरी न्यूज के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में इतना ही। बॉलीवुड की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।